यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। विपक्ष ने फार्मूला ढूंढ लिया है बीजेपी की घेराबंदी करने का। इसी को लेकर राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि परिणाम आप लोगों के माध्यम से और सूचना के माध्यम से दोनों जगह के लगभग परिणाम आ चुके हैं। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा की जीत पर मैं वहां के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी मतदाताओं का जो लोकसभा कैराना क्षेत्र के हैं और नूरपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। किसानों, पिछड़े, गरीब, दलित, मजदूरों की जीत का यह चुनाव है। समाजवादी पार्टी समर्थित आरएलडी के प्रत्याशी और जिसको बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सभी वाम दलों का सहयोग मिला था, साथ ही साथ कांग्रेस, महान दल, निषाद पार्टी और पीस पार्टी का भी सहयोग मिला, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल हुई है। देखिए, क्रूशल था और नीतीश कुमार जी को सबक सिखाने का काम किया। ये जनता दल यूनाइटेड का घर रहा और इनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जनादेश का अपमान करने के कारण। और ये जो जीत है, जनता की जीत है, लालूवाद की जीत है। और लालू जी एक विचारधारा का नाम है और इस वजह से सब लोगों में भारी आक्रोश था कि जिस प्रकार से लालू जी को परेशान किया जा रहा है। शाहकोट के सारे लोगों का बहुत असी सारे पार्टी वालों धन्यवादी हैं, जिन्होंने इन्नी गर्मी दे विच सारा साथ दिता। जिस दिन मेरी वो रोड शो हो रही थी, मेरा ख्याल सारा ही शाहकोट निकले हुए से और असी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि साथ भी दिता और अंत में रिजल्ट जो अज आए ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स ने। असी भी नहीं समझते से कि इन्नी ज़्यादा जावांगे, पर ये कॉन्फिडेंस इन द कांग्रेस पार्टी है। साड़ी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो राहुल जी ने ओवरऑल बनाया, एज यू नो हिंदुस्तान च मेरा ख्याल बीजेपी शायद एक या दो सीटा जीती है, बाकी तो असी कांग्रेस से टेकन। ये झूठ और जुमलेबाज सरकार पे सच्चाई की जीत है। ये आगे चल के बहुत अच्छा है। मैं देख रही हूँ कि सब लोग जो है ना बहुत खुश और बहुत आगे चल के बहुत मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। बिल्कुल षड्यंत्र था, मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और हम चाहते हैं कि आगे जो है कोई भी चुनाव इन मशीनों से ना हो।